कि भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में क्या होने वाला है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो आज की तारीख में, इसीलिए उसकी हार जीत को लेकर किससे चर्चे गली नुक्कड़ पर, मोहल्लों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर आप अब पढ़ रहे होंगे। आज हम भी इस पर फोकस करने वाले हैं। कितनी सीटें बीजेपी की इन चुनावों के बाद बढ़ेंगी या घट रही हैं, कहां पर वो सरकार बना रही है या कहां पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, और बीजेपी की बात होती है तो उसके सबसे बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उभरता ही उभरता है, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, स्टार प्रचारक हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री का प्रभाव और छवि का असर इन चुनावों पर हुआ है, क्या उनके चुनाव में जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, क्या उनकी लोकप्रियता अभी भी 2014 की बराबरी पर बरकरार है। एग्जिट पोल के रुझान सही साबित हुए तो बहुत कुछ राजनीति बदलने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव को 2022 के चुनाव को 2024 के लिए सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। यूपी में 2017 में बीजेपी को सहयोगियों के साथ 313 सीटें मिली थी। अगर सी वोटर और एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो यूपी में बीजेपी को अधिकतम 244 सीटें मिल रही है, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, यानी करीब करीब 68 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 साल पहले बीजेपी को 57 सीटें विधानसभा में मिली थी, जबकि इस बार का सी वोटर का सर्वे और जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को अधिकतम 32 सीटें ही मिल रही हैं, यानी वो बहुमत से भी पिछड़ रही है, और अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो पिछली बार की तुलना में 25 सीटों का संभावित नुकसान बीजेपी को उत्तराखंड में हो सकता है। तीसरा बड़ा राज्य है पंजाब का, जहां पर 10 तारीख को मतगणना होनी है। बीजेपी को पिछली बार 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हमारे एग्जिट पोल में अधिकतम 13 सीटें सी वोटर ने अनुमानित लगाई हैं भारतीय जनता पार्टी की, और अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो एक तरीके से अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब में ही देखी गई थी। गोवा की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 13 सीटें मिली, इस बार सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को अधिकतम 17 सीटें दे रहा है, और यह अनुमान अगर साबित हुआ तो यहां भी बीजेपी फायदे में है। बात उत्तर पूर्व के मणिपुर की करें तो पिछली बार बीजेपी को यहां पर 21 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सी वोटर के एग्जिट पोल से उसका ग्राफ आगे बढ़ता दिख रहा है, अधिकतम 27 सीटों का अनुमान है, यानी 4 सीटों की संभावित लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता दिखता है। सबसे ज्यादा नजरें यूपी के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि 2022 के जनादेश में 2024 के लिए चुनावी संदेश सीधे तौर पर छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए। 2024 में वो चुनाव होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए तीसरी बार वोट मांगने जाएंगे, अपने नाम पर, अपने काम के, सरकार के कामकाज के आधार पर। आखिर 2024 को कैसे प्रभावित करेंगे 2022 के 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।